Hey, what is up guys? So guys, finally मैं फिर से आप लोग के लिए टॉप 10 जियो वायरल कॉलर ट्यून लेकर आ गया हूँ, जो कि आप लोग ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था। जितने भी कॉलर ट्यून्स लोग मुझे अवेलेबल कराने के लिए कमेंट्स किए थे एंड मुझे जो भी इंस्टाग्राम पे लोग मुझे कमेंट्स किए थे, तो भाई ये वाला सॉन्ग्स अवेलेबल करा दो। तो फाइनली गाइस आपके डिमांड पे ये वीडियो लेकर आया हूं एंड सारे सॉन्ग्स को मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली गाइस वही आप लोग को माईजी एप्लीकेशन में आ जाना है। जिस तरह गाइस आप लोग माईजी एप्लीकेशन में आओगे, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहां पर जियो ट्यून शो कर रहा होगा, तो इस पर आपको टैप करना है। तो बेसिकली गाइस जिस तरह इस पे आप लोग टैप करोगे तो यहां पे आपको शो करेगा जियो ट्यून, सेकंड वाले पे टैप कर लेना। उसके बाद सर्च जियो ट्यून पर क्लिक करके यहां पर हमारा जो पहला कॉलर ट्यून आता है, जो कि मोस्ट डिमांडेड कॉलर ट्यून है, जिसका नाम है एलिवेटेड। और ये सॉन्ग के लिए अवेलेबल कराने के लिए काफी ज्यादा लोग ने मुझे परेशान कर दिया था। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो एज यू कैन सी कि ये सॉन्ग अवेलेबल हो चुका है। उससे पहले इसका एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना देता हूं, जिससे आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाए। अगर आप लोगों को कोई पर्सनली कॉलर ट्यून चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उससे पहले एक छोटा सा क्लिप प्ले करके सुना दे रहा हूं। तो आई होप गाइस कि हमारी पहली कॉलर ट्यून आप लोग को डेफिनेटली पसंद आई होगी। तो इसी के साथ गाइस बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस यहां पर निकल कर आता है दूरियां। तो बेसिकली गाइस एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था इस सॉन्ग को अवेलेबल कराने के लिए एंड मैंने सोचा कि इसको अवेलेबल ही करा देते। तो बेसिकली गाइस आप लोगों को सबसे पहले यहां पर आपको पूरा लिख लेना है दूरियां। तो एज यू कैन सी जिस तरह यहां पर आप लोग दूरियां लिख लेते हो, ठीक है, तो एज यू कैन सी गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये वाला सॉन्ग आपको फर्स्ट में ही शो करता है। एज यू कैन सी यहां पर आप लोग देख सकते हो और ये डीनो जेम्स का है। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूं एंड डेफिनेटली गाइस ये भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। धीरे धीरे से काट रही है मुझे बात। आई होप गाइस कि ये सेकंड कॉलर ट्यून आप लोग को पसंद आया होगा। उससे पहले गाइस मैं आप लोग को एक और सुना देना चाहता हूँ, जिसका नाम है ये वाला लॉन्ग डिस्टेंस वाला। ये भी काफी अच्छा है, अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस कॉलर ट्यून। तो इसी के साथ गाइस बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस फाइनली हमारा एक और सॉन्ग है, जो कि काफी ज्यादा लोग ने मुझे कमेंट किया था, जिसका नाम है वी रोली। तो फाइनली गाइस ये सॉन्ग्स भी अवेलेबल हो चुका है, एज यू कैन सी यहां पर आप लोग देख सकते हो। एंड इसको मैंने बहुत पहले अवेलेबल करा दिया, क्योंकि मैं ये वीडियो 12 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज से 7 दिन पहले ही अवेलेबल हो चुका है। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना देता हूँ एंड डेफिनेटली गाइस, बिकॉज गाइस ये सॉन्ग तो मैं आज से लिटरली सेट करने वाला हूँ, तो आप लोग एक बार सुनकर देखो। तो आई होप गाइस कि हमारी ये सॉन्ग भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ गाइस बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस निकल कर आता है यहाँ पे। बेसिकली आप लोगों को सर्च करना है बारिशों में। तो बेसिकली गाइस जिस तरह आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे बारिशों में, तो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दर्शन रावल का सॉन्ग है और लिटरली ये सुनने के बाद आप लोग फैन होने वाले हो। तो इससे पहले इसका एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना दे रहा हूँ। बारिशों में जब याद आते हो तुम भीगे। तो आई होप गाइस कि ये सॉन्ग भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट रखा है। जिस तरह कंप्लीट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के डिमांड पे लिए आप लोग के डिमांड के लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर ट्यून। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून का नाम है गाइस कुछ तो जरूर है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है कुछ तो जरूर है एंड एज यू कैन सी गाइस आप लोग देख सकते हो, और ये वाला सॉन्ग गाइस लिटरली बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है एंड ये काफी ज्यादा डिमांड हुआ था इंस्टाग्राम के मेरे मैसेंजर पे, ठीक है। लोग काफी ज्यादा डीएम किए थे। तो इसका भी 2-3 पार्ट में अवेलेबल के लिए सोचा था, लेकिन फाइनली 2 पार्ट में ही आया। तो मैं दोनों पार्ट का छोटा छोटा सा क्लिप प्ले करके सुनाता हूं, आपको जो बेस्ट लगे दोनों में से चूज करके सेट कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि ये वाली सॉन्ग आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी के साथ गाइस बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस काफी टाइम के बाद आपको पता होगा कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था 2022 में एक सॉन्ग, जिसका नाम है नो लव। और ये वाला गाइस अब जाके अवेलेबल मैंने इसको करा दिया, क्योंकि गाइस ये वाला जो था ना प्रीमियम सॉन्ग था, तो ये इसको अवेलेबल कराना काफी टफ था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको अवेलेबल फाइनली करा दिया। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ गाइस, आप लोग को बहुत ही ज्यादा फाड़ लगेगा। तो गाइस मैं आप लोग को एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप लोग को ये सॉन्ग पसंद आया होगा तो प्लीज, क्योंकि गाइस इस सॉन्ग अवेलेबल कराने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगा था, तो मेरे इस सॉन्ग के लिए तो प्लीज लाइक जरूर करना मेरे इस वीडियो को। 1000 लाइक जिस तरह कंप्लीट हो तो आपका नेक्स्ट वीडियो बनाकर दूं। तो उसके बाद गाइस बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस यहां पर आप लोग सर्च करना है वो बंदा
नहीं, ठीक है। तो बेसिकली गाइस जिस तरह यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे वो बंदा नहीं, तो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये तलहा अंजुम का है और ये पाकिस्तान का सबसे फेमस सिंगर रैपर कुछ भी मान लो, और ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ और ये सॉन्ग तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा। नहीं 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 मैं वो बंदा ही नहीं, मुझे दुनियादारी का कुछ पता। तो आई होप गाइस कि ये वाली भी सॉन्ग आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ गाइस बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस निकल कर आता है यहाँ पर, फिर मिलेंगे। तो बेसिकली गाइस जिस तरह यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे फिर मिलेंगे। तो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सॉन्ग खुलकर आ चुका है और ये गाइस ये भी तलहा अंजुम का है और लिटरली ये वाला इससे पहले मैंने 1 वीक तक इस सॉन्ग को मैंने कॉलर ट्यून सेट करके रखा था बिकॉज बहुत ही फाड है। और इस सॉन्ग के बाद वाला जो कॉलर ट्यून बताने वाला हूँ गाइस, इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग को एक बोनस में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कॉलर ट्यून आप लोग को देने वाला हूं, क्योंकि काफी लोग ने मुझे कमेंट किया था। एक बंदे ने तो परेशान कर दिया था इस सॉन्ग का अवेलेबल कराने के लिए, तो फाइनली अवेलेबल हो चुका है। उससे पहले इस सॉन्ग का एक छोटा सा क्लिप सुन लेते हैं। तो बढ़ते गए हम अपने सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग की तरफ से, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट हाइप सॉन्ग है जिसका नाम है डाकू, जो कि काफी ज्यादा आज तक वायरल है। ये 2022 से वायरल होते आ रहा है और ये सॉन्ग को गाइज मैंने फाइनली अवेलेबल करा दिया। एज यू कैन सी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इस सॉन्ग को अवेलेबल कराने के लिए मेरे पास आप लोग के बस एक ही पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा तंग किया था। एंड फाइनली गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसको अवेलेबल कराने के लिए उतना मेहनत नहीं लगा, हाँ बट कुछ टाइम लगा था। तो प्लीज़ इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो आई होप गाइस कि ये वाली सॉन्ग आप लोग को सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आई होप कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। नजर लग जाएगी, तो बेसिकली गाइस ये नजर लग जाएगी मिलिंद गबा का नहीं, ये जो अभी जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जो अभी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग नंबर सेक्शन पे चल रहा है, तो ये वाला भी अवेलेबल हो चुका है। एज यू कैन सी यहाँ पर देख सकते हो ये अजय देवगन का सॉन्ग है। अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस कॉलर ट्यून एंड बहुत ही ज्यादा ये भी एब्सेंस टाइप का है। तो आई होप गाइस कि ये वाले भी कॉलर ट्यून आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी के साथ गाइस बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस निकल कर आता है यहाँ पर स्ट्रीट टॉक, ठीक है। तो बेसिकली गाइस जिसी तरह यहाँ पर स्ट्रीट टॉक पे सर्च करोगे सेकंड वाले पे, ये इमियो बंटाई का ही सॉन्ग है और ये मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है, इसको मैंने काफ़ी टाइम तक सुन के रखा है, ठीक है। तो इसके भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना दे रहा हूँ। तो आई होप गाइस कि अब तक भी मैंने जितने कॉलर ट्यून्स बताए आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई पर्सनली कॉलर ट्यून चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसी के साथ गाइस बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइस यहाँ पर इमियो बंटाई का ही आता है जिसका नाम है जमैका टू इंडिया। तो बेसिकली गाइस जिस तरह यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे और जमैका टू इंडिया, एज यू कैन सी यहाँ पर क्रिस गेल और इमियो बंटाई का एक कोलेबोरेशन हुआ था जिसमें ये सॉन्ग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ एंड डेफिनेटली ये भी आप लोगों को पसंद आया होगा।